आपने कभी सोचा है कि भारत ओलंपिक्स में मेडल्स क्यों नहीं ला पाता? Then this video is for you. क्योंकि ये वीडियो हमारे सबसे पहले स्पोर्ट्स सुपरस्टार के बारे में, धोनी से पहले, सचिन से पहले, कपिल देव से भी पहले, हमारा ध्यान मेजर ध्यानचंद पर था। आज भी जब मैं गॉड ऑफ हॉकी गूगल करता हूँ तो उनका नाम आता है। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, कहते हैं वियना में भी मेजर ध्यानचंद का चार हाथों के साथ चार हॉकी स्टिक्स पकड़े हुए स्टैचू हुआ करता था, लिटरली लाइक अ गॉड। बट व्हाई? उन्होंने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया उन्हें गॉड मानती है? टुडे इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स वी वांट टू टेल यू द स्टोरी ऑफ हिज एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस एंड हिज एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेलियर। हम ऐसे ही हमारे फॉरगॉटन हीरोज की स्टोरी आज के लिए रेलेवेंट बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ध्यानचंद एक्चुअली में ध्यान सिंह थे। आज 29 अगस्त उनका बर्थडे है और आज भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है। 16 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। उनकी सैलरी थी महीने के 12 रुपए, लेकिन वो उनके लिए काफी थी क्योंकि उसमें एक हॉकी की बॉल आ जाती थी। फिर काम के बाद रात के वक्त पेड़ के टूटे ब्रांचेस के साथ ध्यान सिंह हॉकी खेलते थे। मूनलाइट में उन्हें हॉकी खेलते देख उनके सीनियर्स ने उन्हें ध्यानचंद कहना शुरू किया और इसी के साथ इंडियन हॉकी का गोल्डन पीरियड शुरू किया। 1928 एम्स्टरडम ओलंपिक्स, जब बाकी की टीम्स एक या दो गोल के डिफरेंस के साथ जीती थी, भारत का स्कोर कार्ड कुछ ऐसा लगता था। नेदरलैंड्स को उनके ही होम ग्राउंड पर हराकर ध्यानचंद और टीम ने भारत के लिए सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड जीता। कहते हैं ऑफिशियल्स ने ध्यानचंद के हॉकी स्टिक में कहीं मैग्नेट तो नहीं, ये चेक करने के लिए एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन किया था, क्योंकि एक बार जब उनके पास बॉल आती थी तो उनसे बॉल ले पाना इम्पॉसिबल था। ड्यूरिंग दिस टाइम भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था। भारत के एथलीट्स को ओलंपिक्स के लिए भेजना ब्रिटिशर्स को वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी लगता था। 4 साल बाद लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाले थे और तभी हमारे हॉकी टीम के पास पार्टिसिपेट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर पार्टिसिपेट किया और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं डोमिनेट किया। इसी टूर्नामेंट में हमारी टीम ने यूएसए के अगेंस्ट 24 गोल्स का एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड 2003 तक कोई टीम ब्रेक नहीं कर पाई। भारतीय हॉकी टीम ने इस ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जीतने के बाद भी इन पैसों से वो बैंक का लोन नहीं पे ऑफ कर पाई। डॉन ब्रैडमैन, एक क्रिकेट के लेजेंड, जब ध्यानचंद जी को मिले तो उन्होंने कहा, ये गोल्स ऐसे स्कोर करते हैं कि क्रिकेट में कोई रन स्कोर करता, उनके लिए इतना इजी है। लेकिन ध्यानचंद और टीम की सबसे बड़ी विक्ट्री 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम जर्मनी में भी एक गॉड का जन्म हुआ था। आज हम इस गॉड को हिटलर कहते हैं। माना जाता था जर्मनी की ग्लोरी को अगर कोई रिस्टोर कर सकता है, गरीबी दूर कर सकता है, जर्मनी को फिर से एक डोमिनेटिंग नेशन बना सकता है, तो वो है हिटलर। और डोमिनेंस दिखाने का स्पोर्ट्स से बेटर अल्टरनेटिव क्या है? बर्लिन ओलंपिक्स में इंडिया के पहले ही मैच के बाद पूरा शहर में पोस्टर्स लग गए। हॉकी का एक मैजिशियन आया है और उसे देखने के लिए ओलंपिक स्टेडियम चले। कहां से? इंडिया से, वो स्नेक चार्मर्स वाला देश। जब भारत सिर्फ एक ब्रिटिश कॉलोनी माना जाता था तो हमारी हॉकी टीम ने खेल खेल में इंटरनेशनल लेवल पर हमें एक नई आइडेंटिटी दी। We won the finals against Germany after scoring 8 goals. Hitler was so impressed with Dhyanchand that he actually met him and asked him कि आपकी Indian Army में rank क्या है? तब Dhyanchand Lance Naik rank पर थे। Hitler said, "Come and join Germany. Be a part of our army. I'll make you a colonel. You'll get respect, money, fame." To which Dhyanchand said, "No, no. To the most feared leader in the world. Yes, to a Bharat that was a slave back then." एक ऐसा भारत जो आजाद होगा भी या नहीं, ये किसी को पता नहीं था। एक ऐसा भारत जिसे ब्रिटिश राज ने 200 साल लूट कर गरीब बना दिया था। एक ऐसा भारत जिसने इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें यहाँ पर एक हीरो जैसा ट्रीट किया जाएगा, देन माई फ्रेंड यू आर रॉन्ग। After retiring, he faced a lot of financial problems. In the end, he was diagnosed with liver cancer and he passed away in Ames, Delhi. In a general ward, as if he was a nobody. भारत ओलंपिक्स में मेडल्स क्यों नहीं ला पाता? 1920 से 2020 तक 100 साल में सिर्फ 28 मेडल्स क्यों? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं। सीता साहू, एक स्पेशल ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट, आज गोलगप्पी बेचती है। हमारी कबड्डी टीम 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिक्शा में ट्रॉफी घर ले आती है। दिनेश कुमार, एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लाने के बाद लोन पे ऑफ करने के लिए कुल्फी बेचते हैं। अगर हम हमारे विनर्स को लूजर्स जैसे ट्रीट करेंगे तो कोई जीतना ही क्यों चाहेगा? जब तक हमारे पॉलिटिशियंस खुद को ही भारत रत्न देने में बिजी रहेंगे, तब तक हमारे ये असली हीरोज, असली जेम्स, असली रत्न ऐसे ही सफर करते रहे। टुडे ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, अगर हम भी ब्रिटिशर्स की तरह ऐसे ही सोचेंगे कि स्पोर्ट्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आज भी हमारा ध्यान सिर्फ कुछ ही खेलों पर रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है?
अगर आज भी ब्यूरोक्रेसी की वजह से टैलेंट को देखकर अनदेखा करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? तो हम क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट इन हीरोज के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक मेजर ध्यानचंद स्टोरी देन प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आज ऐसे स्पोर्ट्स के सितारों की रोशनी को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। बच्चों को क्रिकेट छोड़कर बाकी खेल भी होते हैं, ये समझाना जरूरी है। आने वाले टाइम में मेडल्स तो आएंगे, लेकिन उससे पहले जीतने वालों को विनर्स बनाना जरूरी है।